से बड़ा सैनिटाइजर कोई नहीं। मैं गवर्नमेंट में मुझे कहा जाता है आप मास्क नहीं लगाती, मास्क मैं बैग में से लटकाती हूँ, ठीक है, वो क्यों, SOPs के लिए। मास्क नहीं बचाते। मैंने इस मास्क को बंदे देखा, मुझे उल्टी आ गई, बना के एक औरत पाँव के नीचे रख के गिर रही थी। वो वीडियो मैंने अपनी पूरी फैमिली को भेजी कि इनको तुम लाला संभालते हो जो पैरों से गिरती भी और मतलब कहने का है कि सैनिटाइजर और वुजू इससे बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं है। बावजू रहें, आईपीएल कुर्सी पढ़ के अपना हसार करें, रात के 3 बजे निकले। मैं आपको कहती हूँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज जो यहाँ खड़ी हूँ मेरे बाप की मेहरबानी। मेरी माँ बड़ी सख्त मिजाज खातून थी, जैसे आपा ने बताई बातें कि अब्बा आया तो छुप जाओ, ये हो गया वो हो गया। मेरे अब्बू की मैं शुक्रगुजार, मेरे वालिद एजुकेशन में सेक्टरी एजुकेशन में 21वें ग्रेड से रिटायर हुए। सारी जिंदगी डिबेट्स में हिस्सा लेने से पहले अब्बा जी को खत लिखते थे, कभी बावलपुर कभी कहीं। ईमानदार बहुत थे ना, तो ट्रांसफ़र होती रहती, हलाल खाने वालों को ट्रांसफ़र बड़ी मिलती है गवर्नमेंट मुलाजिम। तो अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी हलाल से पाला। मैं एक बहन हूँ, माशाल्लाह से 4 भाई हैं, लेकिन पूरी फैमिली में 22 भाइयों में मैं एक बहन बैठा हूँ। और ज़ाहिर लड़कों में रह के बंदा उसी टाइप का होता है, लेकिन वादा बहुत सख्त। मैंने कहा अम्मी जी न्याज बनानी है, अम्मी 20 किलो खीर मैं तो नहीं पका सकती, माँ पीढ़ी रख देती थी। मैंने कहा अम्मी चूल्हा ऊँचा, अम्मी ने कहा पीढ़ी तो और ऊँची हो जाए। हमारी तरबियत ऐसी थी कि छुट्टियाँ हैं मरासियाँ थे, बिस्तर खुले होते हैं, बेटियाँ क्यों सोए दोपहर में, चलो जी काम करो। बड़ी सख्ती से पाला मुझे अपनी माँ हिटलर लगती थी, बड़ी दिल में आता था यार कब अम्मी से जान छूटेगी, सास अम्मी से भी दोगुना निकल आई क्योंकि अम्मी की मामी थी वो, फिर अम्मी से भी सख्त थी सर। तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि पहले ही जाड़ों की आदत थी, सख्ती की आदत, इसलिए तकलीफ नहीं इतनी हुई। कहने को लव मैरिज थी, अच्छा वो फिर और जुल्म हो जाता है, पसंद आ गया हर बात पे आपको टोका जाता है। अच्छा पहले दिन से आपको इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अच्छा पसंद ही कुड़ी आई ना, चल पुत्र मुझे वलीमे वाले दिन सुबह आ गया, चल पढ़ ले। इमेजिन करें चौधरीयों की इकलौती बेटी हो जो ट्रक भर के जेजों का लेके गई हो, सास ने खड़े होकर सबने कहा क्या कर रही है, कहती वेखा चौधरी की लाडली काम कर दी कि नहीं कर। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ और लाडली ने आंसू बहाते हुए किचन में बर्तन धोने शुरू किए। माँ बाप के घर से अगर नाश्ता जो हमारे रस्में हिंदू वाली है ना कि नाश्ता भेजना है भावे घर पैसे हो ना हो, तीनों नाश्ता भेजो दाल लेके, ठीक है ना, मतलब मुंडे वाले लैके नहीं होना, मैं घर नाश्ता भी नहीं है। फजूल की रस्में, ये फजूल की रस्में, इन रस्मों की वजह से लड़कियाँ मेरे जो भी शादियाँ नहीं हुई। तो अल्लाह का वास्ता जिन हम खवातीन ज़्यादा अल्लाह का वास्ता रस्मों को खुद ख़त्म करें ना। मेरे 2 बेटियाँ बेटा, मैं आप बच्चियों को बता रही हूँ, मैं उम्रे पे गई जब मैंने दोनों बेटों को बिठाया, एक तो बालिग था एक अभी बालिग होने वाला था, इन्हें 18 साल ही कर दिया था। मैंने पहले बेटे को कहा आज आप 18 के हो गए, अब आप बालिग, आपको अगर कोई लड़की पसंद आए तो मुझे आपने ये बताना कि मामा ये मुझे पसंद है, आपने गुनाह नहीं करना, आपने जना नहीं करना। वो शर्मा रहा, मम्मा क्या करें, मम्मा कैसी बातें, वो बच्चे डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम आएँ हम अपने बच्चों की तरबियत में खुद नहीं हिस्सा लेंगे ना तो हमारे बच्चे कभी सही नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मुझे बचपन से हैरेसमेंट हर औरत को देखनी पड़ती है, हर रिश्ते से देखनी पड़ती है। आजकल के दौर में तो बेटियां बाप से भी महफूज नहीं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोलूंगी क्योंकि मैं केसेस देख रही हूँ, मैं गवर्नमेंट लेवल पे बहुत केसेस देखती हूँ, बहन भाइयों से महफूज नहीं। तो बच्चियों को मजबूत बनाना चाहिए, तरबियत ऐसी करें कि बच्चियाँ मजबूत बने। मैंने अपने बेटों को कहा कि बेटा मैं निकाह कर दूँगी, अगर आपकी बहन नहीं है ना तो आपकी माँ मौजूद है, आप किसी की बेटी पर गंदी नजर रखोगे तो पलट के मुझ पर आए। तो ये तरबियत बेटे को डरा दो, वो कुछ भी गलत करने पर सोचेगा मेरी माँ के साथ भी हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बावजूओं के खाना बनाना सीखे, मैं बगैर वजू के खाना नहीं बनाता, मैं आप जमजम के बगैर अपने घर में खाना नहीं बनाता, मैं अपने अल्लाह से ताल्लुक नहीं खत्म करता क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रोऊंगी मेरे आंसू सिर्फ अल्लाह पहुँचेगा, मैं दुखी होंगी तो मेरा दुख सिर्फ अल्लाह दूर करेगा। दुनिया में अगर आप रोगी किसी मर्द को शोल्डर मारना चाहोगी तो वो आंसू पहुँचते हैं ना, यहाँ 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 हर जगह हाथ लगा लूँ। मैं ब्लड बोल रही हूँ बच्चों, औरत के सामने रुकने का चल यार इसमें नो चल गया नहीं, सानू कड़ा बंदा चंगा मिला ना भी नहीं मिला, फिर ही हुआ जलन में एक दूसरे से हसद में हम लोग दुआ नहीं करते, एक दूसरे को हम ये प्रोटेक्शन नहीं देते। तो मेहरबानी करके अपनी आदतों को बदलें, अपनी बच्चियों को शऊर दें। और आप यंग बच्चियाँ हो, आपके हजारों अरमान हो, बेटा मुझे बताओ कितनी बच्चियाँ अपनी माओ की दोस्त हैं। बहुत सी बच्चियाँ इसमें हैं जिनकी माए उनकी दोस्त नहीं होती, अफसोस जिन बच्चियों की माएँ दोस्त नहीं होती फिर कुपियाँ और खालें आ जाती। पुप्पी का पत्ती मशहूर किया हुआ आजकल एक मीन बना हुआ है, ठीक है ना, पुप्पी लड़ाकी पुप्पी ये। मैं अपने घर की फेवरेट पुप्पू हूँ क्योंकि मैं बच्चों के सारे मसले सुनती हूँ, वो मुझे फ़ोन करके रोते हैं, भाभी की शिकायतें करते हैं बच्चे, और मैं जब जाती हूँ उनको अलग तसली देती हूँ, बात भाभी से अलग बात करती हूँ। मेरी माँ और भाभीियों के मसले रहते हैं, होते हैं घर में, लेकिन चूंकि हम पढ़े लिखे हैं जरा हमारी लड़ाई सोफिस्टिकेटेड किस्म की होती है ना, टूटड़ा वाली नहीं होती, जरा जलसी नाराजगी तो ब्रांड, मेरी माँ बहुत ब्रांड कॉन्शियस है जी। मैं अपनी माँ के घर जाने पहले पहुँचती हूँ ये सोचती है जोड़ा दोबारा पहना था कि नहीं, हालांकि मेरे ख्याल ये जोड़ा मैंने हफ्ते में 2-3 बार पहन लिया, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि जोड़ा नहीं आपका किरदार बोलता है, इसलिए मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी माँ के घर जाते हुए सोचती हूँ वहाँ भी ब्रांड कोशिश लोग बैठे।